हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिएट मनी क्या है। फिएट मनी बेसिकली है जो गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इशू करते हैं एज ए लीगल टेंडर, जिनकी कोई भी गोल्ड एंड सिल्वर से नो बैकिंग होती है, वो फिएट मनी है। फिएट मनी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है ए करेंसी वेयर द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री। गवर्नमेंट डिग्री माने तो एक लीगल टेंडर और लीगल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस करेंसी नोट को, जिससे आप एक्सचेंज में कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। पर जैसे गोल्ड और सिल्वर की बैकिंग में पहले करेंसीज होती थी जिनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। अगर आपने 100 रुपये का नोट लिया है तो आप RBI और गवर्नमेंट के पास पहले जा सकते थे कि आप हमारे 100 रुपये के नोट को आप 100 रुपये के सोना दे दो उसके बदले। बट फिएट मनी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक महज एक कागज है जिसकी एक लीगल टेंडर है। वो गवर्नमेंट की एक वैल्यू से चलता है, और जो फिएट मनी की वैल्यू है वो रूल होती है सप्लाई एंड डिमांड रूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और इसमें इश्यू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इकोनॉमी को लेकर के क्लियर कट पॉलिसीज हैं, तो ही जो हमारी फिएट मनी है, फिएट करेंसी है, वो स्टेबल है और इन द राइट पोजिशन। पहले क्या होता था कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी प्राइसेस से होती थी और वो उसको स्टेबल रखती थी। पर अब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फिएट मनी और करेंसी को राइट पोजीशन में रहने में मदद करती है। फिएट मनी सेंट्रल बैंक्स को ग्रेटर कंट्रोल प्रोवाइड करती है ऑन इकोनॉमी, बिकॉज फिएट मनी के होने से सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स की डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। सेंट्रल बैंक्स को मोर कंट्रोल प्रोवाइड होता है इकोनॉमी पे, बिकॉज अगर कंट्री में गोल्ड रिजर्व्स कम है और उसके अगर हम बनाने लग जाएं उसके बैकअप में करेंसी, तो वो करेंसी होगी बहुत ही कम, क्योंकि गोल्ड की अपने पास सप्लाई कम है। बट अगर फिएट में करेंसी होगी तो फिएट करेंसी में सेंट्रल बैंक जितना चाहते हैं वो प्रिंट कर सकता है, हाउ मच दे वांट दे कैन प्रिंट। और अगर इकोनॉमी में शॉर्टेज ऑफ मनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं और सेंट्रल बैंक क्या करेगा, दे विल प्रिंट मोर करेंसी। मोर करेंसी विल बी पुट इन टू द इकोनॉमी। अगर करेंसी ज़्यादा पुट की जाएगी इकोनॉमी तो उससे डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने से सप्लाई को बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल इकोनॉमी विल बी इन इजी सिचुएशन और इन अ गुड कंडीशन। तो ज्यादातर मॉडर्न पेपर करेंसीज सच एज US डॉलर और इंडियन रुपी एक्सेट्रा ऑल आर फिएट करेंसीज। बट इसके साथ एक डेंजर भी जुड़ा हुआ है, जैसे फिएट करेंसीज है वो गवर्नमेंट कैन प्रिंट टू मच ऑफ इट। इसके कारण हो सकता है कि ओवर इन्फ्लेशन हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, जिससे कंट्री में और ज्यादा इम्प्लीकेशन आ सकती हैं। इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई बॉटल नेक हो जाएगी। इसका एक ड्रॉबैक तो यही है। तो हम इसको फिएट मनी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर ऑथराइज कर सकती है। सिमिलरली जैसे अमेजोन पे हमें वाउचर मिलते हैं जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं, वो अमेजोन के जो वाउचर्स हैं वो अमेजोन की गारंटी है, अमेजोन के लीगल टेंडर्स हैं जिससे हम अमेजोन पे वो फर्दर उनकी हेल्प से शॉपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे पहले गवर्नमेंट कॉइन्स बनाती थी, उनकी एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती थी, वो गोल्ड एंड सिल्वर में होते थे। पर फिएट करेंसी डोंट वर्क लाइक दैट, और प्रिंटेड पेपर मनी है फिएट करेंसी, और उसको हम रिडीम कर सकते हैं अदर फिजिकल कमोडिटीज। जैसे अभी मेरे पास 100 रुपये है, मैं 100 रुपये का कोई सामान अपनी कंट्री में ले सकता हूँ, वो उसकी एक वैल्यू है, वो एक रिडीम कूपन की तरह काम कर सकता है। फिएट इज इनकन्वर्टिबल, क्योंकि हम फिएट को जो उसकी बैकिंग नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, अनलाइक प्रीवियस वन करेंसीज इन दी अर्लियर टाइम्स। फिएट मनी के ये लिंक नहीं होती, क्योंकि किसी भी नेशन के पास लार्ज चंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो उसकी अगर वो
अगर पैकिंग में करने भी लग जाए जितना भी प्रेजेंट है, उससे तो इकोनॉमी को पुश मिलेगा नहीं, और अ लिटिल पुश और लिटिल इन्फ्लेशन इज अ गुड फॉर इकोनॉमी और हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन ही नहीं होगी किसी इकोनॉमी में तो वो इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाएगी। अगर हल्की हल्की इन्फ्लेशन इंक्रीज करती रहे तो इकोनॉमी डेवलप करती है। और हिस्ट्री ऑफ फिएट मनी इन द यूएस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। यूएस डॉलर इज कंसिडर्ड टू बी बोथ फिएट मनी एंड लीगल टेंडर। फिएट मनी का मीनिंग वही है एज ए लीगल टेंडर और ए गवर्नमेंट डिग्री द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक करेंसी। इट इज एक्सेप्टेड फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक टैप से। लीगल टेंडर क्या होता है, एक एनी करेंसी दैट ए गवर्नमेंट डिक्लेयर्स टू बी लीगल। और मैनी गवर्नमेंट इश्यू है फिएट करेंसी, फॉर एग्जाम्पल आवर करेंसी, जिसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को फलाना फलाना रुपया अदा करने का वो देता हूँ। Then make it a legal tender by setting it as a standard for debt payment. और जो कंट्री की करेंसी है वो गोल्ड और सिल्वर से बैक की जाती थी यूएस में इन द हिस्ट्री और सिमिलरली इन अदर कंट्रीज आल्सो। और जो फेडरल गवर्नमेंट ने वो सिटीजन्स को वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट करेंसी वो एक्सचेंज करना बंद कर दिया बाय द इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट ऑफ 1933। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड बैक्ड यूएस करेंसी थी विद फेडरल गोल्ड रिजर्व्स उसको कंप्लीटली एंड कर दिया बाय द 1971। और यूएस आल्सो स्टॉप्ड इशूइंग गोल्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट्स इन एक्सचेंज फॉर द यूएस डॉलर और यूएस करेंसी। अब हमने फिएट मनी को जान लिया कि फिएट मनी क्या है, फिएट मनी के कारण क्या हो सकता है। आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि फिएट मनी के कारण जो डिसएडवांटेज और जो कंडीशंस देखने को मिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह थी, जैसे जिम्बाब्वे का केस है। पर इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस बहुत आर प्रोस एंड कॉन्स हैं। एडवांटेजेस हैं फिएट मनी के, जैसे ये सेंट्रल बैंक को ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी प्रोवाइड करता है, कॉस्ट एफिशियंट है टू प्रोड्यूस है इन कंपेयर टू दी गोल्ड एंड सिल्वर बैक करेंसी और प्रोवाइड गवर्नमेंट विद फ्लेक्सीबिलिटी। नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिएट मनी। फिएट मनी क्या है, इज नॉट ए फुलप्रूफ वे टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी। अगर बाई चांस इकोनॉमिक मिसकैलकुलेशन हुई और ओवर प्रिंटिंग एंड ओवर सप्लाई ऑफ मनी इन टू द मार्केट हुई तो ये इन्फ्लेशन को लेकर आएगा। जैसे 2008 में बैंक्स ने बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया था, हाउसिंग लोन इन द यूएस, और जिसके कारण हुआ था यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2000, और उसको हम लेमन क्राइसिस भी बोलते हैं। और इसके डिसएडवांटेज में क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बबल, बबल बबल मीनिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस, और वेदर इट कैन बी ऑफ ए स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट और अदर काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन रिजल्ट इन एनीथिंग और प्रोवाइड्स रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। इसके सारे रिस्क इन्फ्लेशन की वजह से, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन का लेवल बिगड़ा तो कंट्री में जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रॉब्लम्स की इन इकोनॉमिक वे, वो सारी कम टुगेदर आएंगी। एग्जाम्पल फिएट मनी के क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द प्रीफर्ड करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड आर फिएट मनी। फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, इंडियन रुपी, ऑल एक्सेट्रा। अब हमने पहले जाना था कि हम एक केस स्टडी करेंगे कि अफ्रीकन जिम्बाब्वे की है, जहां पर एक्सेसिव अमाउंट में करेंसी को प्रिंट कर दिया गया था जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिससे क्या हुआ कि सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए, टू मच सप्लाई ऑफ मनी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने उस पैसे को हैंडल करने के लिए 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर नोट छापने पड़े, क्योंकि ओवर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी ने इंक्रीज की डिमांड इन द जिम्बाब्वे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसकी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई बॉटलनेक छोटा हो गया, और सप्लाई कम होने की वजह से ड्यू टू द एक्सेसिव डिमांड
जो सप्लाइड गुड्स थे उनके प्राइसेस आसमान छूने लगे, जिसके कारण महंगाई आई और इन्फ्लेशन विद इन डेज हाइपर इन्फ्लेशन में चेंज हो गई, और जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े बड़े नोट छापने पड़े 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स के। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंट्रीज की टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड की जीडीपी 100 ट्रिलियन नहीं है, और इंडिविजुअल इंडिया की जीडीपी ही 3 ट्रिलियन डॉलर है, और वो जिम्बाब्वे में 100 ट्रिलियन डॉलर के नोट छाप रहे हैं। ये एक मेजर ड्रॉबैक है फिएट मनी का। और व्हाई डू मॉडर्न इकोनॉमीज फेयर फिएट मनी डिस्पाइट इट्स डिसएडवांटेजेस? फिर भी मॉडर्न इकोनॉमीज फिएट मनी को क्यों प्रेफर करती है इतने ज्यादा डिसएडवांटेजेस होने के बाद? फिएट मनी एक फ्लेक्सिबल है, उसको मैनेज किया जा सकता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी इज द डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी में होता है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट और व्हाट विल बी द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और फॉर नेक्स्ट फिक्सल ईयर। ये स्टेबलाइज करती है ग्लोबल मार्केट को, वो गोल्ड एंड सिल्वर का झंझट ही खत्म कर देती है, वो और कैलकुलेशन को खत्म कर देती है ये। इट आल्सो अलाउज फॉर ए फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग विच लेट्स कमर्शियल बैंक्स मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ मनी ऑन हैंड टू मीट डिमांड फ्रॉम बोरोवर्स। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है फिएट मनी का? फिएट मनी का अल्टरनेटिव ओनली कैन बी दी डिजिटल करेंसीज, और डिजिटल करेंसीज लाइक दैट बिटकॉइन, और वो एक चेंज उसको चैलेंज बना हुआ है इन्फ्लेशनरी नेचर ऑफ फिएट करेंसीज के लिए। बट बिटकॉइन को आप एज ए रेगुलर करेंसी आप मार्केट में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कंप्यूटर जनरेटेड करेंसी है, और फिएट मनी इज ए फिजिकल करेंसी। और कंक्लूजन हम इसे क्या डिराइव करते हैं कि फिएट मनी डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड, नॉट फ्रॉम एन अंडरलाइंग फिजिकल कमोडिटी। फिएट मनी हमने जैसे पहले पढ़ा है कि फिएट मनी अगर सेंट्रल बैंक को नीड फील हो रही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में कम है, तो वो ओवर प्रिंटिंग करेगी मनी की, जिससे वो मार्केट में उस प्रिंटेड मनी को सर्कुलेट कर पाए और जिससे डिमांड इंक्रीज हो। विद इंक्रीज डिमांड सप्लाई विल बी इन दैट अकॉर्डेंस, और जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, और गवर्नमेंट फिएट मनी को यूज करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बूम्स एंड बस्ट दैट आर नेचुरल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। बट इसका रिस्क तो एक बना ही रहेगा कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ फिएट मनी रिस्क इन्फ्लेशन और इन सम केसेस हाइपर इन्फ्लेशन लाइक दैट वी हैव स्टडीड इन दी जिम्बाब्वे केस है। बाय इंक्रीजिंग सप्लाई बियॉन्ड डिमांड हाउएवर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। बाय।